अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे घर में एक डॉगी आया है, जर्मन शेपर्ड। ये देखें, बेचारा सो रहा है अभी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। नया नया आया है ना अभी घर में। मार मार थोड़ा दूर रहो, वो डर जाए। मार दूर, मार दूर। प्यारा सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी काम के लिए बाहर निकल रही थी तो जहाज़ेब ने कहा इसको ज़रा प्यार करके देखें, ये मानता ही नहीं, मानता कहीं काटेगा तो नहीं। मैं पहले तो डर रही थी, लेकिन वो आराम से पास आ गया और उसने प्यार करवाया। शुक्र है काटा नहीं। अच्छा यार, अबे क्यों काटेगा? चलो मैं आके देखता हूँ, फिर नहा जाते हैं। ये है कराची का हाल। गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं और बैटरी अंदर रखते हैं। दिस इज योर कराची। मैं मोबाइल अंदर ले जाऊँ, पहले मोबाइल जाए। दोपहर में आज मैं बिन सफ़ीर सुपरमार्केट गई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था, उस सिलसिले में वहाँ गई थी। और ये वो मार्केट है, जब मैं कराची में रहती होती थी तो इसी बिल्डिंग के पीछे रहती थी, तो जब जब कोई काम होता था तो हम लोग फौरन से यहाँ आ जाते थे, क्योंकि एक तो बहुत करीब होता था और यह है कि मज़ा भी आता था। विंडो शॉपिंग कर ली, कभी सौदा ले लिया। तो लॉकडाउन के दिनों में इस मार्केट ने बड़ा ही हमारा साथ दिया है, हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था। मतलब 2 मिनट्स की ड्राइव भी नहीं कहेंगे हम इसे, और हम यहीं से ग्रॉसरी कर लेते थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था और जब मैं कराची में रहती थी। इतना करीब होने की वजह से तो अक्सर ऐसा होता था, हमारे हर काम, हर चीज़ हम यहीं से लेने आ जाते थे। मतलब हर ज़रा ज़रा सी बात पे हम लोग यहाँ चले जाते थे अक्सर। और जब जब मेरी अम्मी आती थी तो मेरी अम्मी को इतना पसंद आता था ना, उन्हें तो बहुत शौक़ था इस वाली मार्केट जाने का। स्टिल वो अभी मुझसे यही कहती हैं कि कितना मज़ा आता था, हम लोग बिन सफ़ीर जाते थे और चीज़ें लेते थे, लेकिन अब नहीं जा पाते। ज़ाहिर है, नहीं 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 मुझे कुछ वाइप्स और डायपर भी लेने थे आहिल के लिए, तो मैंने वो लिया। बाकी सामान जहाँ से नहीं लेना था तो वो सब सामान लिया। मैंने थोड़ी क्रॉकरी वगैरह भी देखी, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी। दिल चाह रहा था हर बाउल ले लूँ, हर मतलब जो होता है प्लास्टिक का जो सामान होता है, अच्छे अच्छे जो बाउल्स वगैरह या जो भी ये जो इस टाइप के जो बास्केट्स होती हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरा दिल चाह रहा था सब कुछ ले लूँ, लेकिन जहाँ से हमने पहले ही आवाज़ लगा दी थी कि ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं लेना, रास्ते में टूट जाएगी ले जाते हुए। लेकिन आप यकीन करें, यहाँ पर एक तो सस्ती होती है और ऊपर से मतलब वैरायटी बहुत होती है। लाहौर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बनिस्बत कराची के, यहाँ सस्ती चीज़ें। तो दिल चाह रहा था सब कुछ ले लूँ, लेकिन इंशाल्लाह जाने से पहले ज़रूर लूँगी। अभी तो मैंने छोड़ दिया, अभी तो मैं जिस काम के लिए गई थी वही काम करके वापस आ गई थी। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रूट्स खरीद रहे हैं इफ्तार के लिए, और आहिल यहाँ मुझे मुसलसल तंग कर रहा है। आहिल गंदा बच्चा है। आहिल, आहिल डॉगी कहाँ है? डॉगी कहाँ है? नहीं, घर पे डॉगी। डॉगी घर पे? आप ही के पास है? नहीं, अच्छा सही है। आहिल ने गाड़ी ली है, यहाँ मायर काम कर रहा है, हमारी हेल्प करा रहा है, बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है मायर हमारे साथ। मायर यहाँ पे रायता निकाल रहा है और शलीजे स्टार लगा रही है, और लीजे से बैठ के खड़े होके हमें देख। हाँ हाँ सही है। अच्छा भाई, ये पकौड़े भाभी ने बनाए, समोसे भी भाभी ने बनाए घर में ही, और बाहर जाके भाभी ये सब सामान लेकर आई थी, और मेरे लिए ये केक लेकर आई थी रेड वेलवेट जो कि मुझे पसंद है, और ये बनाया है फ्राइज बच्चों के लिए, और ये भी भाभी ने बनाया, और ये फ्रूट चाट मैंने बनाई है जिसकी क्रीम अभी मैंने मिक्स नहीं की है। जहाँ देर तो आज गए मैं ना इफ्तार पार्टी पर, तो हम घर में पार्टी करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं मार्केट तक, और सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ जा रही है, तो मार्केट के लिए निकल रहे हैं हम लोग। आइए आहिल, कम आ लाए, आ जाए, चले चले चले।
चल 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 मेरे साथ चलना, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ जहाँ से हम गए हुए थे इफ्तार पार्टी पे, तो सारे बच्चों को लेके जाना पड़ा, घर में कोई भी नहीं था और रास्ते में नाइल सो गया था। मैंने माहिर को काफ़ी कहा कि आप दोनों रुक जाओ, बाबा आने वाले होंगे, लेकिन ये लोग भी साथ चलती है। तो फिर हमने ये किया, जब हम मार्केट उतरे, बेसिकली हम जा रहे थे केडीए मार्केट, वो थोड़ा खुली मार्केट टाइप का है, तो मतलब जो बाज़ार टाइप का होता है, तो वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। पहले भी एक दफ़ा गए थे, लेकिन वहाँ हमसे बचत बाज़ार टाइप की जगह पे हम गए थे। इस तरीके से मार्केट में कभी नहीं घूमी, फ़र्स्ट टाइम मैं केडीए मार्केट गई थी। मुझे असल में ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, लेकिन मैंने 2-4 एयरिंग्स ले ली है। लेकिन जो मैं लेने गई थी, चौकर सेट लेने गई थी मैं, वो मुझे नहीं मिले, तो मैंने जस्ट एयरिंग्स वगैरह लेकर आ गई और बस बच्चों के साथ बहुत घूमे। अलीजा आप क्या ले रही हो? जैसा आप लोग देख रहे हैं, रश बहुत था, बहुत आवाम आई हुई थी। और अच्छा ये हुआ था कि नाइल रास्ते में ही सो गया था, तो हमने नाइल को गाड़ी में ही छोड़ दिया था कि वो वापस घर चले गया था, और बाकी बच्चे रह गए थे। तो बस सिर्फ एक आहिल ही था छोटा, जो जिस पे ज़्यादा ख्याल करना पड़ रहा था। फरीसा तो गोद में ही थी, तो लेकिन फिर भी एक एक बच्चे पर नज़र रखनी पड़ रही थी, के साथ साथ रहे, रश ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम घूमे, 1.5 घंटा घूमे। और इस वक्त तो हमारी हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने बैठ गए थे, बस चांद निकलने ही बाकी है बस हमारे। फिर इतना हम थक गए थे कि हमने ऊबर करीम कुछ भी मंगाने का इंतज़ार ही नहीं करा कि हम थोड़ी देर खड़े होकर कुछ गाड़ी मंगवा लें। हमने रिक्शा किया और हम सारे बैठ गए रिक्शे के अंदर और घर के लिए चल दिए। खैर फ़ोन इस्तेमाल करना थोड़ा डेंजरस रहता है कराची में, अल्लाह ताला मेरे फ़ोन को सलामत रखे और हम सबको सलामत रखे लाहौर आने तक। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे बचाते बचाते। खैर आज का व्लॉग यही था, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।